नमस्कार, मैं हूं क्यूटी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। यूपी नगर निकाय चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है, क्योंकि यही रात भारी, यही रात अंतिम की कहानी चरितार्थ हो रही है। प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं और वो सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इटावा नगर पंचायत में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और बसपा ने हल्ला बोल दिया। एक तरफ नादिर सलाम तो दूसरी तरफ बसपा के प्रत्याशी जोर तोर के साथ और मेहनत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा रोड शो बीएसपी ने निकाला है इटावा नगर पंचायत में, जिसे देखने के बाद दिग्गजों के हौसले पस्त हो गए हैं। हमने वहां के जनता से बात किया तो जनता में सिर्फ बसपा की तरफ लोग इशारे कर रहे थे, क्योंकि जो दलित समुदाय है तो नहीं चाहता है कि हमारे वोट में कोई दूसरी पार्टी सेंध लगाए। आइए आपको हम बता दें पूरी रिपोर्ट कि इटावा में क्या चल रहा है। इटावा नगर पंचायत में बसपा और कांग्रेस की लड़ाई इस समय देखी जा रही है। बसपा ने जी तोड़ मेहनत किया है, दलित समुदाय को इकट्ठा कर लिया, और दलितों से जब हमने बात की तो दलितों ने ये नहीं कहा कि हम अपना वोट बसपा को छोड़कर किसी दूसरे को देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को हिंदू मनाने में लगे हुए थे। लेकिन बसपा के जो वोटर हैं उन्होंने कहा कि इस बार हमसे कोई गलती नहीं होगी, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो वोट हैं वो पूरे के पूरे बीएसपी को कन्वर्ट हों। आइए आपको हम दिखाते हैं इटावा नगर पंचायत की ये विशेष रिपोर्ट की किस तरह से बसपा के दीवाने बसपा प्रत्याशी को जिताने पर तुले हैं और बसपा नेताओं ने हमारे संवाददाता से क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं युवा प्रत्याशी राजेंद्र जायसवाल, जिनके ये हुजूम दिख रही है। आप देख रहे हैं कितना भीड़ है इनके साथ, आज जनता इनके साथ है, युवा इनके साथ है, महिलाओं को आपने देखा किस तरह से एकदम अग्रसर है। वो बिल्कुल कह रही है हमारा वोट सिर्फ हाथी को ही जाएगा। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास ऐसा क्या आखिर मुद्दा रहा है कि हर कोई इनकी दीवानी है। राजेंद्र जी, कैसा चल रहा है आपका चुनावी समय? चुनाव बढ़िया चल रहा है और चुनाव हमको हर जात का मिल रहा है, चाहे वो बनिया भाई हों, चाहे सुनार भाई हों, चाहे कुरिमी भाई हों, चाहे यादव जी हों, चाहे बहलिया जी हों, चाहे मौर्या जी हों, चाहे भूत जी हों, चाहे तेली भाई हों, चाहे विश्वकर्मा जी हों, चाहे चमार भाई हों, चाहे धोबी भाई हों, चाहे मुसलमान भाई हों, हर जात का हमको समर्थन मिल रहा है। और जो मुसलमान हमारे साथ खड़ा है वो आज के दिन में 35% खड़ा है। तो 35% ऐसा मुसलमान है जो मुसलमान इधर उधर जाने वाला नहीं है। जब चुनाव आवत है तब हिंदू मुसलमान हो लागत है और चली आज बिहान, लेकिन हमें हर जात को वोट मिलत है। और हमार पदराई ना से भारी रही आप लोगों का आशीर्वाद से कि चमार तो अगर साड़ी ब्लाउज देते हो 10 जने 5 जने के तो तुहार ले ली हैं, बिकल तुहें ना ही वोट दिए हैं हथिये के। राजेंद्र जायसवाल प्रत्याशी यहाँ हैं कि जो चमारे के बिटिया के ब्याह में बैठ के खाना खा सकें, उनके संगी दिखावा हम नहीं कही थे, उन्होंने खाना खाए कि हम आई भाई उनके मारवा पर से कि हम पहले सेवा किए हैं चीज़ के हमारे दोनों भाई, और दोनों भाई सेवा किए हैं एक ही नाते हमें वोट मिली एक तरफा चमार के। और रही बात ही कि व्यापारी भाई के हमें 75% समर्थन मिलत है, आप सर्वे कर लिए हो वो कौन छिपाओगे ना आपसे, वोट एक तरफा मिली 12 आना। जो गरीब तक माने ठेला वाले रक्षा वाले हैं, चाहे कुड़ला हुए, चाहे बहलिया हुए, चाहे यादव जी हुए, चाहे भूज हुए, उनका समर्थन पूरा मिली 90%। सपा वाले कह रहे हैं कि राजेंद्र जायसवाल पैसे में बहुत ज्यादा हैं, ये सिर्फ वोट खरीद सकते हैं, बाकी जनता का जनाधार इनके साथ नहीं है। पैसा अगर पैसा से वोट मिला तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे होते हैं देश के। पैसा तो हर काम जब करी कि जब तू 5 साल सुख दुख मन कामे आए हो, वो शादी ब्याह कथा भागवत मिलाद या कोनो मान लिया बीमार रहे हुए उनके मदद की हो, आर्थिक मदद की हो, वो तब तुहार करो सुख दुख मन कामे आए हो तो तुहार पैसा काम करी। ये कुल विपक्षी पार्टी वाले वड़े भी करी हैं, हम दिल से उनसे वोट मांगे थे, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगे थे और वोट हमें मिली। और दुनिया तपरका फैला वाले बहुत जने बोली हैं उल्टा। आपकी लड़ाई डायरेक्ट किससे है, भाजपा से है, सपा से है या कांग्रेस से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जे लड़ी थे हमसे लड़ी,
कहूँ लड़ी भाजपा, कहूँ लड़ी सपा और कहूँ लड़ी है नादी सलाम और मेरा हर गांव माँ यही नाते हमारा प्लस है। हर गांव का हर जात का वोट मिली यही नाते हम चुनाव माता रानी खाटसों में चाहिए तो चुनाव हम पर वोट जीता। विकास का क्या मुद्दा है, मान लो अगर आप जनता आपको जिताती है तो क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के वादे पर खरा उतरेंगे दोनों भाई हम, सड़क पुड़िया नाले का निर्माण करेंगे और जो नहीं घूसखोरी चला था 2003 वाला सफाई कर्मी गए ये सब बंद करब है और जो जो आवास में 50,000 रुपया घूस लेता है ली ही तो हमारे राज्य में न कब भाई न होई। सरकार का पैसा आई सीधा गरीब का खातन जाई, उनका आवास का पैसा आई सीधा गरीब खातन जाई, एक रुपया न कहूँ दलाली उन्होंने दी एक परी न बेमानी दी एक परी न घूसखोरी दी एक परी। हमारे दोनों भाई में ये अंतर है, आप जनता से आप राय ले लो, ये गरीब दुखिया या व्यापारी या गांव का खड़ा है आप इनसे राय ले लो हमारे बारे दोनों भाई बारे में आपको सही जवाब मिल जाएगा। आपको क्या बोलती है जनता? जनता हमारे पक्ष में है, हम लोगों के साथ है, हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। महिलाएं आज देखा बहुत सारी महिलाएं आपके साथ थी, क्या ऐसी वजह रही है कि महिलाएं आपके साथ? देखिए महिलाओं को हमने नहीं बुलाया था लेकिन उनका प्रेम था हमारे प्रति, आई हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको सादर चरण स्पर्श करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और वो माताएं बहनें हमारे जुलूस में आई, हम बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है आपका, राजेंद्र जायसवाल का चुनाव किस तरफ जा रहा है? जीत रहे हैं 100% चुनाव जीतेंगे, 101% चुनाव जीतेंगे राजेंद्र जायसवाल जी। जनता जनता हर एक समुदाय गरीबों की बहुत सेवा करते हैं। अच्छा हाँ, सबकी बहन बेटी के शादी में मदद करते हैं, सुख दुख में बीमारी में हर चीज में इनका पूरे इटवा का मदद मिलता है। मौजूद हैं पूर्व बसपा प्रत्याशी विधानसभा हरिशंकर सिंह, आइए जानते हैं कि जायसवाल ब्रदर्स को इनका समर्थन किस तरह से मिल रहा है, जनता किस तरह से इनका सहयोग कर रही है। हरिशंकर जी क्या लग रहा है आपको, जायसवाल ब्रदर के साथ आपका समर्थन है, पिछला चुनाव आपने लड़ा है बहुत अच्छे से मानूट ऑब्जर्व किया होगा, जनता का जनाधार इनके साथ किस तरह से है? देखिए दुर्गा जायसवाल जो को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी ने जिस दिन से इनको प्रत्याशी बनाया है उसी दिन से लेकर के पूरे नगर पंचायत का एक एक गांव हम लोग घूम चुके हैं, दरवाजे दरवाजे तमाम नुक्कड़ सभाएं भी हुई हैं और हमारे प्रत्याशी के बारे में पूरे इटवा नगर पंचायत की जनता जानती है कि जायसवाल ब्रदर्स पूरे समाज के साथ किस तरह से घुल मिल के काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं, अमीर गरीब छोटा बड़ा अगड़ा पछड़ा दलित शोषित वंचित जो भी इनके पास किसी समस्या को लेकर आया उसको बाखूबी आज विगत 20 वर्षों से दोनों भाई राजेंद्र जायसवाल दुर्गा जायसवाल मिलकर के दिन रात सेवा के भाव से अनवरत चलते रहते हैं और लोगों के दुख सुख में शामिल होते रहते हैं। इस नाते पूरे नगर पंचायत क्षेत्र की जनता बिना किसी भेदभाव के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री दुर्गा जायसवाल जी के साथ एकदम तन मन धन से खड़ी है और लोगों का समर्थन देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले 11 तारीख को वो समर्थन वोट में तब्दील होकर के 50% अकेले जितना भी वोट पोलिंग होगा उसका 50% वोट दुर्गा जायसवाल बसपा के उम्मीदवार को मिलेगा, बाकी 50% में सारे दल के लोग। जरूर जी, जैसे निकाय चुनाव है अक्सर सत्ता पक्ष चुनाव है, ये जा रहा है कि सत्ता पक्ष चुनाव अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी दिन कुछ ऐसी रणनीतियां बनती हैं कि उसको हेर फेर कर दिया जाता है, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए सत्ताधारी दल हमेशा रणनीति बनाता है लेकिन वो सत्ताधारी का रणनीति वही काम करता है जहाँ लोग निर्जीव होते हैं, यहाँ सभी लोग सजीव हैं। सत्ताधारी के हर हथकंडे से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और दुर्गा प्रसाद जायसवाल का मतदाता और हम सारे लोग मिलकर के हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।
आपकी लड़ाई डायरेक्ट किससे है? हमारी लड़ाई बीजेपी से है या एसपी से है? हमारी लड़ाई किसी से है ये नहीं, बीजेपी यद्यप की लड़ाई बनाना चाह रही है जी। जैसे तमाम इस समय आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस पे भी बैठ करके कोई भी चैनल खोल दीजिए तो दिन भर हिंदू मुसलमान के अलावा ना महंगाई की कोई चर्चा, ना भ्रष्टाचार पे किसी प्रकार का कोई चर्चा, ना और किसी चीज़ का कोई चर्चा। दिन भर जो टेलीविज़न के एंकर हैं वो खाली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके कभी इनका काउंटर हो गया, कभी उनका काउंटर हो गया, कभी इनको मार दिया गया, कभी उनको मार दिया गया। जनता का ध्यान भटकाने के लिए सत्ताधारी दल के लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 24 में इनकी सरकार न देश में बनने वाली है और इसी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता एक मैसेज इनको देने वाली है कि अब आपके महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपके नीतियों के खिलाफ जनता वोट इसी नगर पंचायत में दे करके सिद्ध कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से जाने वाली है, इस देश से जाने वाली है। आने वाले 24 में देश में सफाया हो जाएगा, यानी बसपा वाले जग गए हैं। तो ये थे हमारे साथ हरिशंकर जी, जिन्होंने महंगाई को निशाना साधते हुए बताया कि आने वाले 2024 में भी इसका जवाब मुँह तोड़ दिया जाएगा। जनता अब जागरूक हो गई है, महंगाई की मार सहते सहते ये इतना परेशान हो गई है कि अब ये और महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकती है। अब देखना ये है कि इस निकाय चुनाव में आने वाले 11 तारीख को ये हरिशंकर जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पे, ये जायसवाल ब्रदर के लिए कितना गुणकारी साबित होते हैं, ये इनको विजयी प्राप्त विजयी दिला पाते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जनता जागरूक हो चुकी है, भीम सेना जाग गई है, बसपा वाले जाग गए हैं और हर कोई अब ये समझ गया है कि अब बस बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम की राजनीति, अब हमें इंसानियत के नाते जीना है और ऐसे ही लोगों को चुनना है जो इंसानियत को लेकर चल सकें। चाचा क्या लग रहा है, राजेंद्र जायसवाल का चुनाव मजबूत है? आधा माँ राजेंद्र जायसवाल रही है, आधा सब रही है। अच्छा, जनता यका दिल से चाहत है दोनों भवन का, एकरे अंदर कब्बो हिंदू मुसलमान के भेदभाव नहीं रहा, यह लिए हिंदू मुसलमान यका दिल से चाहत हैं। आधा माई अकेल रही, आधा माँ सब रही हैं इंशाल्लाह। किससे लड़ाई है मेन इनकी? ये क्या जन के सामने नहीं लड़ते हैं? अरे हाथी के सामने क्यों नहीं लड़ते? साइकिल पंजा क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सब पीछे जाएंगे। सर बोलिए, बताइए क्या क्या कहना है आपका? सर मेरा ये कहना है, इटवा की राजनीति अभी तक एक मिनट भाई, हिंदू और मुसलमान के नाम पे हो रही थी। कौन कर रहा था? अब जो भी पार्टियां थी, आप लोग से बेहतर मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग बेहतर जानते हैं और यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ना हमें आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि आप गली गली चट्टी चट्टी चल रहे हैं। आपको पूरी जनता सुनेगी, आज आपको पूरी जनता सुनेगी, कौन कर रहा था, भाजपा या सपा? जी सर, आप जानते हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है कौन कर रहा है, कौन कर रहा था, ये बताने की हमको जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ की सारी जनता जान चुकी है और इस बार उन्होंने सारी जनता ने ठाना है कि हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ करके श्री राजेंद्र जायसवाल के चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबा करके और उनको इटवा का चेयर मनाने का काम करेंगे। और सर एक बात और है, अभी तक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और आपसे निवेदन कहना चाहता हूं, इस बात को आप जनता के बीच जरूर लाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में मात्र 17% मुस्लिम है और 83% हिंदू, 83% हिंदू है पूरे भारत में। क्या आप ये बता सकते हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर महंगाई देने का काम बीजेपी ने किया है, 200 रुपया लीटर तक का तेल बिकने का काम किया है, क्या वो हिंदुओं को 100 रुपया लीटर देने का काम बीजेपी ने किया है? इस बात को आप लोग अपने चैनल पर प्रसारण करने का काम जरूर करेंगे। अगर 17% मुसलमानों ने महंगाई को झेला है तो 83% हिंदुओं ने महंगाई को झेलने का काम किया है। साथियों, इस चीज को अब की बार इटवा की जनता एकदम अपने आप को ठगा महसूस करती है और इसको महसूस करते हुए यह मन बना लिया है कि इस बार राजेंद्र जायसवाल के भाई दुर्गा जायसवाल को हम लोग चेयरमैन बनाकर ही रहेंगे। इसी के साथ आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए
सभी को जय भीम जय भारत नमस्कार।